छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टीकाम की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय भवन में समीक्षा बैठक हुई। मंत्री डॉक्टर टीकाम ने अधिकारियों को किसानों को 5,800 करोड़ रुपए का अल्पकालीन कृषि ऋण सितंबर माह तक अनिवार्य रूप से वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप लाख पालन, मछली पालन, डेयरी और पशुपालन के लिए किसानों को प्राथमिकता से ऋण मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। इसी को लेकर संवाददाता चित्रा पटेल ने मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ के स्कूल खाद्य शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम हमारे साथ मौजूद हैं। खेती किसानी का सीजन है, किसान खेती कर रहे हैं, अभी खाद की उनको ज़रूरत पड़ रही है, क्या खाद की कमी है? नहीं, छत्तीसगढ़ तो किसान प्रधान देश प्रदेश है। यहाँ खेती मुख्य यहाँ पर व्यवसाय है लोगों का, और आज हम देखें तो 70% लोग खेती किसानी करते हैं, सब उसमें जुड़े हुए हैं। तो सरकार की जो फोकस है वो किसानों के प्रति है, अच्छे उनको बीज मिल जाए, अच्छे खाद मिल जाए। उसकी भी मैंने कल समीक्षा किया था, तो उस समीक्षा में मैंने ये पाया कि जो हमारी जो टारगेट है 2022 का, वो 5,800 करोड़ ऋण बांटने का है, और अब तक हम लोगों ने 3,3243,83,00,000 का बांट चुका है। और इसी तारीख को, इसी सीजन में, विगत वर्ष में 2021 में हमने 1,760 करोड़ बांटा था। तो इस साल हम लोग ने बढ़ोतरी किया है, इस साल हमने पूरे से उसका निगरानी और समीक्षा करते रहे हैं, तो इस साल हम लोग ने बढ़ाया है, टारगेट भी बढ़ाया है, और लोगों के ऋण भी वितरण अधिक हुआ है। तो ये थे स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम। इन्होंने जैसा कि बताया है कि किसानों के ऋण के लिए 58 करोड़ का जो लक्ष्य रखा है केसीसी बिल, उसको लक्ष्य रखा है, इसको आने वाले समय पे देखना होगा कि क्या इस लक्ष्य पे राज्य सरकार कायम रहेगी। मैं चित्रा पटेल, एम के न्यूज़, रायपुर।